एक बार करंट आएगा अगर हमने चाबी को ऑन किया है, फिर चाबी को ऑफ करना पड़ेगा तब करंट आएगा दोबारा से। अभी मैंने चाबी को ऑफ किया, ऑन किया, अब करंट आ गया है। लगातार हम सेल्फ लगाते रहेंगे तो इसमें करंट नहीं आएगा, आना बंद हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। फिर से मैं चाबी को ऑफ करूँगा, ऑन करूँगा थोड़ी देर के लिए, फिर करंट आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद करंट गायब हो जाएगा। अब ये हो क्यों रहा है, किस चीज़ से हो रहा है? देखो, मैंने चाबी को फिर से ऑफ किया, ऑन किया, करंट आया, अब आना बंद हो गया करंट। सेल्फ लगाता रहूँगा कंटिन्यू, लेकिन करंट नहीं आएगा इसमें। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और लाइक भी करते रहना दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। ये मैंने इंजेक्टर का कपलर इसका निकाला हुआ है, ये वाला इंजेक्टर का मैंने कपलर निकाला हुआ है, इसकी वजह से ये कंडीशन बन रही है। अब मैं इंजेक्टर का कपलर इसका लगा चुका हूँ, अब आपको मैं कंटिन्यू करंट दिखाता हूँ इसमें। आप देख सकते हो इसमें अब कंटिन्यू करंट आ रहा है, चाहे हम कितनी भी देर तक सेल्फ लगाते रहे इसमें करंट आता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं उस कपलर को निकालता हूँ तो थोड़ी देर के लिए करंट आता है और फिर करंट गायब हो जाता है। चाबी को ऑफ करके ऑन करता हूँ, फिर से करंट आने लगता है। अभी मैं सेल्फ जितनी भी बार लूँगा उतनी बार करंट आएगा। मैं कपलर फिर से निकाल करके आपको दिखाता हूँ, इसका इंजेक्टर वाला कपलर निकाल करके मैं फिर से दिखाता हूँ आपको कि वही कंडीशन बन रही है। कभी आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये कपलर मैंने निकाल दिया, इसका फिर से इसकी वही कंडीशन बनेगी। आप देखना, करंट आया, अब आना बंद हो गया है करंट। मैं सेल्फ कंटिन्यू ले रहा हूँ इसका, लेकिन करंट अब नहीं आ रहा है इसका। वो सिर्फ हमारा इंजेक्टर के कपलर निकालने की वजह से करंट नहीं आ रहा है। अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि करंट को लाना कैसे है बिना इंजेक्टर के। तो मैं सेल्फ लगा रहा हूँ लेकिन करंट का कोई नाम नहीं है इसमें, करंट नहीं आ रहा है अभी इसमें। और मैं कपलर लगाऊंगा तो कंटिन्यू इसमें करंट आएगा। ये कपलर मैं लगा रहा हूँ इसका, ये देख लीजिए दोस्तों, कपलर मैं लगा चुका हूँ। और अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें अब कंटिन्यू करंट आएगा। ये आप देख सकते हो, मैं कितनी भी बार सेल्फ लूँगा इसमें करंट आता आएगा। दिख रहा होगा आपको करंट आ रहा है इसके अंदर, तो इसमें करंट इसी तरीके से आता रहेगा अगर इंजेक्टर का कपलर लगा हुआ होगा। इंजेक्टर का कपलर नहीं लगा हुआ होगा तो करंट इसका एक बार आएगा थोड़ी देर के लिए, दोबारा से फिर नहीं आएगा। फ्यूल टैंक हमारा वो रखा हुआ है, बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है फ्यूल टैंक। और मैं अब आपको ऑटो सेंसर का कपलर निकाल करके दिखाता हूँ कि इसके निकलने से भी करंट में कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं। तो ये निकालता हूँ मैं ऑटो सेंसर का कपलर, और इसमें भी देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है नहीं। तो इसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑटो सेंसर से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट से कोई संबंध नहीं है इसका। करंट इसमें कंटिन्यू आ रहा है ऑटो सेंसर हटने के बाद भी। अब मैं इस कपलर को लगा देता हूँ, फिर एक और सेंसर का कपलर आपको निकाल करके दिखाता हूँ कि उसकी वजह से भी कोई गाड़ी दिक्कत करती है या नहीं करती है। तो ये कपलर लगाता हूँ मैं, और वो दूसरे वाले सेंसर का मैं, यानी इंजन टेम्परेचर सेंसर का मैं आपको कपलर निकाल करके दिखाता हूँ कि उसकी वजह से कोई करंट में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये मैं कपलर निकालता हूँ, हमारा इंजन टेम्परेचर सेंसर का कपलर है, थर्मल सेंसर भी हम जिसको बोल देते हैं, तो इससे भी हम चेक करते हैं। तो हमारा करंट इसमें भी कंटिन्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट में, कंटिन्यू हमारा करंट चल रहा है। वो केवल इंजेक्टर की वजह से इसमें करंट नहीं आता है, ना कि हमारे फ्यूल पंप से कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल इंजेक्टर की वजह से करंट नहीं आता है दोस्तों। ये कपलर भी मैं लगा देता हूँ।